कितना धुआं खींच रहे देख सकते हो, खुद आप देख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। यार बहुत ठंड हो रही है भाई, जो बात है। तो फ्रेंड्स भाई, काम तो बाद में करेंगे, पहले थोड़ी सी आग जला लेते हैं, चलिए। भैया देख कितनी सारी लकड़ी भाई, फटाफट आग लगाते हैं। तो भाई चलो थोड़ा काम बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा हाथ ताप लेते हैं। A few moments later. तो भाई यार कितना धुआं निकल रहा। अरे मान लिया। भाई यार तुम देख सकते हो भाई कितना धुआं करते हैं, अंगीठी इस रखते हैं साइड में। तो फ्रेंड्स आपने कभी नोटिस किया है, अगर आप अंगीठी जलाते हो या चूल्हा जलाते हो, उसमें फ्रेंड लकड़ी जलाते हो, पत्ते जलाते हो, तो फ्रेंड्स काफी धुआं उठता है। या फ्रेंड्स अगर सर्दी हो रही है, आप कमरे में जलाते हो लकड़ी, अंगीठी जलाते हो, फिर पूरा कमरे भाई धुआं ही धुआं हो जाता है। तो फ्रेंड वो धुआं आपको काफी नुकसान पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे नहीं हो सकता भाई, कमरे में सिर्फ हीट रहे और सारा धुआं जितना भी फ्रेंड स्मोक है वो सारा कमरे से बाहर ऑटोमेटिक निकल जाए पतली गली से। तो फ्रेंड्स यकीन मानिए, आज इस वीडियो में बना वाले हैं फोगलेस अंगीठी। फ्रेंड धुआं नहीं होगा, धुआं बाहर होगा और भाई हीट अंदर होगी। फ्रेंड्स बहुत मजा आएगा इस वीडियो में, प्लीज दोस्तों वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं टॉय पर, चलिए समर एक्सपेरिमेंट। तो गाइस इस खराब पेंट के डिब्बे का हम बनाएंगे फोगलेस अंगीठी। ओहो देखिए छाप छोड़ दे लोड़ने ने, काफी मजा आने वाला है। गाइस हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो फ्रेंड्स हम फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखते हैं। अब देख काफी गंदा हो रहा है, फ्रेंड्स हम गंदे हैं चलेगा, लेकिन हम अपने प्रोजेक्ट को गंदा नहीं होने देते। चलो हम फटाफट इसकी फिनिशिंग करते हैं। तो लीजिए गाइस ये बिल्कुल चमक चुका है, काफी मेहनत हुई है, लेकिन यार आपके लिए फ्रेंड्स करना पड़ता है। देखिए गाइस ये इतना सारा देखिए यहाँ से गला हुआ है, देख सकते हो थोड़ा मैं आपको अंदर से देखो, देखिए थोड़ा देखिए यहाँ से काफी गला हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम काम में लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है हमने बॉक्स काफी पुराना लिया था, तो भाई थोड़ा बहुत गला हुआ तो चलेगा, लेकिन हम ये वाला पार्ट निकाल देंगे, इसका छोटी सी खिड़की एक विंडो बनाएंगे। चलिए गाइस अब ये काफी अच्छा लगा है, अंगीठी जैसा लुक भी आ रहा है। ये पार्ट खराब हो गया है भाई, इसकी तो खिड़की नहीं बन सकती, देखिए इसका दरवाजा नहीं बन सकता। तो गाइस दरवाजे के लिए हम लेंगे जाली मिलो सर, मतलब जाली मिलो सर का कैप, जो कि बॉक्स का कैप आता है, ये काफी अच्छा रहेगा इसके लिए। चलेगा थोड़ा इसे कट करते हैं, उसके बाद इसे थोड़ा रब करते हैं, इसके अंदर चमकीला बनाते हैं, उसके बाद इसे फिट कर देते हैं। यहाँ तक तो भाई कंप्लीट हो चुकी है और हमारी जो विंडो छोटी थी भी काफी अच्छे से वर्क कर रही है। अब आ जाएगा इसके सरे पर, इसके अंदर रोड कैसे डालें जो फिर यहाँ पर रोक सके किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो भी आप लकड़ी डालोगे कोयला डालोगे। तो गाइस इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ दो सूत के सरिए फ्रॉड, देख सकते हो आप। तो फ्रेंड कोई जाली होती है ना उसका भी यूज कर सकते हो, जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप इसका भी यूज कर सकते हो। और गाइस सरिए मैं इसलिए लगा रहा हूँ भाई काफी मजबूत होते हैं, काफी लंबे समय तक चल जाते हैं, जाली गल जाती है और टूट जाती है। तो गाइस मैं इससे थोड़े से ऊपर देखिए ये देख सकते हो ये वाली एरिया, बस इतने एरिया में सरिए लगाने वाला हूँ। लीजिए गाइस ये कंप्लीट हो चुका है, देखिए सरिया मैंने अंदर लगा भी दिए और देखिए इसके बीच में वेल्डिंग भी कर दिया है। तो फ्रेंड्स इधर उधर भागेंगे नहीं, वैसे काफी स्ट्रॉन्ग है, देखिए काफी मजबूत इसके सारे लगे हुए हैं, देख सकते हो और काफी अच्छे भी लग रहे हैं। तो गाइस ये अंगीठी हमारी बनकर तैयार हो गई है, अब आपको करना क्या है देखिए, देखिए यहाँ पर देखिए ये बॉर्डर है, यहाँ तक फ्रेंड आप मिट्टी लगा सकते हो, ठीक है ना, जिससे भाई ये जले नहीं और ज़्यादा गर्म भी ना हो। तो गाइस हम मिट्टी लगाने के बाद आप इसका यूज़ कर सकते हो, ये बन गई अंगीठी आपकी सिंपल जो की होती है। लेकिन फ्रेंड्स हमें बनाने से फोगलेस यानी कि धुआं इसके अंदर से ना निकले, धुआं कहीं और निकले। तो गाइस इस जुगाड़ के लिए मैंने 1 इंच का स्टील का पाइप ले लिया है और देखिए 1 सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ पे कट लगा लिए, देख सकते हो सारे में कट लगा रखे मैंने। और गाइस अब इन कटों को थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, प्लायर की हेल्प से आप कर सकते हो, देखिए तो थोड़ा दूसरा प्लायर ले लेते हैं, ये भर गया है, सारे कर देते हैं ऐसी, बहुत बेहतरीन, देखिए ये फूल बन गया है। तो चलिए गाइस अब इस फूल को भाई इसके अंदर फिक्स करते हैं, आओ फिक्स करने का जुगाड़ बहुत बढ़िया है, इसे थोड़ा सा
देखिए, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। देखिए ये जो लाइन है ना, ये लाइन इससे नीचे होना चाहिए। वाह वाह यार, ये हर बार बेइज्जती क्यों कराता भाई मेरी। तो भाई इधर से हमें अंधों को रखना है, थोड़ा सा टाइट रखना है। लगता है मैंने ज़्यादा टाइट कर दिया है, पहले ऐसा करके देख लेते हैं। हाँ आ तो गया, थोड़ा फैला लेते हैं। जुगाड़ ही जुगाड़ है भाई, कमी नहीं। हाँ अब आ गया, देखिए देखा इस, थोड़ा सा इन्हें सीधा कर लेते हैं। बेहतरीन। तो गाइस निकालते हैं और भाई सर रोक के कैसे उसका जुगाड़ देखते हैं। तो गाइस इसमें मैंने तीन होल कर लिए हैं और सेम इसमें होल कर लिए। देखा इस तरीके से आप इसमें होल कर सकते हो, ऐसे लगा कर अगर हो जाए देख। ठीक है भाई, अब इसमें लगाएंगे नट बोल्ट, तो ये काफ़ी मजबूती से रुक जाएगा। तो ले जाए गाइस ये बन चुका है, काफ़ी अच्छी तरह इसमें जॉइंट लगाए। देखिए ये एरिया बाहर जा रहा है। तो गाइस ये तो हो गया भाई कंप्लीट। अब आते हैं इसका धुआं कैसे निकलेगा। ठीक है, तो भाई इसे रखते हैं साइड में और यहाँ पे ले लिया मैं 3 इंच का पीवीसी का पाइप और यहाँ पे लूंगा मैं इन्वर्टर का एग्जॉस्ट फैन। देखिए काफ़ी पावरफुल है, 12 वोल्ट DC का है। देखिए और भाई यहाँ पर कुछ अटैचमेंट आप देख सकते हो इसे फिक्स करने के। मैंने पहले कट कर ली, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो भाई मैं सोचा भाई वीडियो लंबी क्यों करनी। और यहाँ पर इसे फैन को पावर देने के लिए एक DC सॉकेट का यूज़ कर रहा हूँ। इसे फटाफट भाई लगाते हैं, कनेक्शन बहुत हार्ड है। गाइस पहले इस तार को निकाल लेता हूँ। और गाइस इस फैन को लगाना, देखिए स्टिकर बाहर के साइड रहना चाहिए। देखिए इस तरीके से बिल्कुल, देखिए यहाँ पर। तो देखिए गाइस काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने इसे ग्लूगन से चिपका दिया और भाई इस पर हीट नहीं आएगी, काफ़ी दूरी रहेगा अंगीठी से। तो भाई फटाफट करते हैं कनेक्शन, बस पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव में लगा दिया, कनेक्शन खत्म। तो गाइस इसे चिपका देते हैं, इसे बिल्कुल भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या मस्त जुगाड़ से लग रहा है भाई। अब इस टुकड़े को लगाते हैं यहाँ पर, लेकिन उससे पहले इस पाइप को लगाते हैं जो कि 1 इंच का और भाई काफ़ी हैवी देखो पाइप है। देखिए पिचकेगा भी नहीं, यही चाहिए बस, मजबूत पाइप चाहिए, चिपका दो। तो गाइस काफ़ी अच्छी तरह से स्टेट ग्लू से प्लस ग्लू गन से मैंने चिपका दिया है और भाई अब चिपका देते हैं इधर साइड। तो गाइस ये हथियार भी हमारा बन चुका है, काफ़ी काम की चीज़ लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। ऐसे लगाते हैं, देखिए थोड़ा लटक रहा है, थोड़ी सपोर्ट देनी पड़ेगी। तो गाइस इसके लिए मैंने एक छोटा सा पाइप लिया है, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई भी कर दी है और भाई इससे हम लगाएंगे थोड़ा इस जगह बीच में और चिपका देते हैं। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा है जुगाड़ टाइप का लग रहा है। देखिए देखिए अभी कहीं नहीं जाएगा, देखिए इसे टाइट लगा दो, देखिए बिल्कुल फिक्स आ रहा है, देखिए देख सकते हो। और गाइस आप इसे कितना ही लंबा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड आप इसे रूम से बाहर निकाल सकते हो और चाहे तो फ्रेंड यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन थोड़ा बढ़ा सकते हो। वो फ्रेंड्स बाकी हम बाद में देखेंगे जब टेस्टिंग का समय आएगा। फिलहाल यहाँ पर एक प्रॉब्लम है भाई, बड़ा बर्तन तो फ्रेंड्स आप इस पर रख सकते हो, लेकिन छोटा कटोरी हो गया ग्लास हो वो नहीं रख सकते, तो भाई इसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो गाइस मैं कुछ बोल्ट लेकर आऊँ जो कि अप्रोक्स 2 इंच के हैं। वैसे गाइस यहाँ पे कुछ हुक टाइप के होते हैं, कुंदे टाइप के, लेकिन आज हम कुछ नया करने वाले हैं, तो यहाँ गाइस हम बोल्ट लगाएंगे अंदर से इसके। तो ले जाए गाइस, देखिए काफ़ी मोटे हैं, हीट हो जाएंगे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और काफ़ी देर तक गर्म भी रहेंगे। अब इस पर कप कोई गिलास कटोरी आराम से रख सकते हो, और चाहे तो फ्रेंड्स से थोड़ा बड़े भी ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर लकड़ी डालने के लिए ईंधन डालने के लिए कुछ ना कुछ तो जगह चाहिए, इसलिए मैंने थोड़े गैप छोड़ा है। तो चले गए, अब फटाफट इस पर मिट्टी लगा लेते हैं। The next day. तो भाई लगभग इसे 20-22 घंटे हो गए हैं, देखिए अभी थोड़ी सी नमी, क्योंकि सर्दी का वक्त है ना। चलेगा फटाफट इसकी टेस्टिंग करते हैं और भाई पहले इसे लगा लेते हैं। देखिए मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा, प्लीज़ दोस्तों इसलिए भाई बने रहिए। और भाई पावर देने के लिए भाई बैटरी ले लो, आप कोई भी बैटरी अडेप्टर ले सकते हो। देखिए अगर आपको आवाज़ आ रही है, देखिए चलो यानी कि चल रहा है, इसे फिलहाल ही बंद करते हैं। तो गाइस एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर दिखाऊंगा, देखिए थोड़ा सा मैं इसको ऑयल डाल दूँ जिसमें थोड़ी सी इसमें आग लग जाए। चलिए ठीक है, इसे रखता हूँ सीधा अंगीठी के अंदर और भाई मैं इसमें आग लगाता हूँ। देखिए आग लग गई, देखिए धुआं देखिए कितना निकल रहा है, देख सकते फ्रेंड्स
चलिए भाई अब चालू करते हैं इस फैन को। देखिए गाइस, देखिए देखिए कितना धुआं निकला, देख सकते हो, देखिए देखिए सारा धुआं इधर, देखिए वो मैं इसे बंद करता हूँ, देखिए। तो चलिए गाइस फिर आग लगाता हूँ, तेल मैं इसमें डाल दिया है, देखिए कितना धुआं है, देख सकते हो, देखिए मैं इसे चालू करता हूँ, देखिए यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कितना कम, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ देखिए कितना धुआं खींच रहे, देख सकते हो खुद आप, देख सकते हो भाई इसे बंद कर देते हैं, देखिए अब देखिए फ्रेंड धुआं ऊपर जा रहा है, देख सकते हो कितना धुआं ऊपर जा रहा है, देखिए ये चलाता हूँ, देखिए सारा धुआं बाहर, देख देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर, यहाँ कोई धुआं, देखिए और यहाँ देखिए देखिए कितना धुआं बाहर निकला, देख सकते हो, ठीक है। तो भाई काफ़ी काम की चीज़ है, काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा समझ, तूने भाई पास में लगाया है, तो फ्रेंड्स आप इसे काफ़ी लंबा कर सकते हो, अगर आपको लगे छोटा सा एडजस्टमेंट आप इसे थोड़ा बड़ा लगा सकते हो, ये फ्रेंड्स मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, आप कर सकते हो, देखिए अभी इसमें धुआं निकला, देखिए मैं दोबारा चालू करता हूँ, देखिए देखिए सारा धुआं गया, आप देखिए सब यहीं निकल रहा है, देखिए तो बिल्कुल मैंने आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ, देखिए अब धुआं यहाँ से दोबारा शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी फायदेमंद है, अगर आप कमर में चलाते हो लेकिन फ्रेंड्स आपको सिर्फ हीट चाहिए, धुआं नहीं चाहिए, स्मोक नहीं चाहिए, तो फ्रेंड्स आप इस तरह सिस्टम लगा सकते हो और इसे कमरे से बाहर कर दीजिए। फ्रेंड्स का एक बेनिफिट और होगा, ये फ्रेंड थोड़ी गैस होती है ना वो भी निकाल देगा, जैसे काफी लोगों का मन घबराता है, कुछ ऐसा लगता है जैसे ऑक्सीजन की भाई कमरे में खत्म हो गई हो, तो फ्रेंड गैस को निकाल देगा, तो काफ़ी काम की चीज़ है, देखिए आप लगाते चला सकते हो काफ़ी चीज़ें। वैसे कैसे लगातार चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे फिर आप शुरू शुरू में आग लगाते हो धुआं ज़्यादा उठता है तब आप इसे चला लीजिए, ठीक है। बाद में जब काम हो जाए आप इसे आराम से निकाल के साइड में रख सकते हो, जैसे कोई लकड़ी इसमें डालो तो इसे चला लो, बाकी से बंद कर दो। तो गाइस ये बच्चों के लिए बेनिफिट रहेगा कि कमरे में छोटे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होती है धुएं से, स्मोक से, तो फ्रेंड्स वो इस सिस्टम अपना सकते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली है, आप ऐसा कर सकते हो, इस तरह को जितना मर्जी आप लंबा कर सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर आप पाइप ज़्यादा लंबा लोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ज़्यादा बड़ा फैन चाहिए, आप इतना बड़ा फैन लगा सकते हो, इससे बड़ा फैन भी आता है वो भी लगा सकते हो, और गाइस आप इस पर हाथ तैप सकते हो, बाकी कुछ सब्जी पका सकते हो, और देखिए यहाँ पर आप कटोरी गिलास भी रख सकते हो, काफ़ी मजबूत है, काफ़ी लोग कहेंगे समर अगर हम इसको कोई भगोना कोई बर्तन रख देंगे तो भाई ये एरिया कवर हो जाएगा, तो फ्रेंड्स बंद हो जाए नहीं, देखिए ये पाइप है एडजस्ट के लिए, देखिए यहाँ से मैं इसे निकाल देता हूँ, थोड़ा सा टाइट हो जाए, देखिए यहाँ फ्रेंड देखिए यहाँ से हवा ऑक्सीजन लेता रहेगा तो आपकी आग जलती रहेगी, और गैस जो राख होगी देखिए जो ऐश होगी वो यहाँ से आराम से निकल जाएगी, और गैस आप आराम से कहीं भी ले जा सकते हो, उठा सकते हो, देखिए काफ़ी मजबूत है ये भी, काफ़ी मजबूत है, देखिए पूरा का पूरा भाई इसने लटका लिया। तो फ्रेंड्स आप आराम से इसका यूज़ कर सकते हो, प्रैक्टिकली मैंने आपको करके दिखाया, फोगलेस आपकी अंगीठी बन चुकी है, आप तो इसे वैसे भी यूज़ कर सकते हो और इसे लगा के भी यूज़ कर सकते हो, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, काफ़ी अच्छी तरह से फ्रेंड्स वर्क करी है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, प्लीज दोस्तों जो भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप बता सकते हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को भाई, जो पता है आपकी वीडियो कैसी लगी, थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।